साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सदगुरुदेव जी स्वामी कृष्णानंद जी की कृपा से हम जब हैदराबाद से गुजरात में शिविर होता था तो पहले 5 आए, बाद में 10, बाद में 15, बाद में 20, 25, आज 100-200 लोग आए। निमिष पटेल को हो या गोपी को हो या उनके फैमिली को ये बात याद रखना है, अगर अगली बार करोगे तो इससे ज़्यादा हमारी भक्तगण या साधकगण आएंगे, उसकी तैयारी करना। मेरे को हैदराबाद में बैठ के पहला टेंशन निमिष से यह था कि इस बार लोग ज़्यादा आने वाले हैं, भाई आप देख लिया करो, क्योंकि हम 5-10 से बढ़ते बढ़ते 10 साल में अभी 100 से 150 से कहा वहाँ से ही आने वाले हो गए। अभी इसका प्रमुख कारण ये है कि भगवान दत्तात्रेय को आदिगुरु कहा जाता है। आदिगुरु कहलाने के कारण उनकी पादुकाएँ और उनकी यह तपस्थली है। शिवरात्रि के दिन कहते हैं कि निश्चित रूप से भगवान दत्तात्रेय अपने गणों के साथ यहाँ विचरण करते हैं, और यहाँ भगवान दत्तात्रेय का और गोरखनाथ जी का संवाद हुआ था। किस बारे में कि संसार में कोई भी मनुष्य के उद्धार के लिए क्या साधना करना ज़रूरी है, क्या अगर वो साधना नहीं करता, अपनी शुद्धि नहीं है, तो उसको किस तरह से उसकी वृद्धि होगी या उसको साधना में सफलता मिलेगी। इन दोनों के संवाद में दत्तात्रेय भगवान ने पहली बार उसका रहस्य बताया था। इसके बाद दूसरे गुरु आए परशुराम जी। परशुराम जी ने 21 बार जब पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया था तो उनको उनका पाप का भार बढ़ गया था, तो वो घूमते घूमते गए कि मेरा पाप कैसा जाएगा, मैं अकारण लोगों को भी मारा हूँ, महिलाओं को भी मारा हूँ, पाप तो मेरे हाथ से हो गया। घूमते घूमते उनको संवर्त नाम के एक ऋषि मिले। वो संवर्त नाम के ऋषि ऐसे थे, एकदम दिखने में पागल की तरह चिल्लाते रहे। जब परशुराम जी जा रहे थे तो परशुराम जी को उन्होंने पत्थर फेंक के मारा। परशुराम जी को एक दो बार पत्थर तो उन्होंने परशुराम जी ने इधर उधर देखा कि पत्थर मार रहा है, फिर जाके उसको खट पकड़ लिए। बोले तू कौन है, मुझे क्यों पत्थर से मार रहा है? बोले तू कहाँ घूम रहा है, तू कहाँ आया, कहाँ किसकी कहाँ जाना चाहता है? तब वो समर्थ महामुनि ने कहा कि मैं कुछ भी हूँ, तू क्यों पत्थर से मार रहा है? तो उसने कहा कि मैं तेरे पापों को देखकर मार रहा हूँ। तब उनको लगा कि ये कोई महान व्यक्तित्व है। उसने कहा कि तू जो घूम रहा है यहाँ घूम मत, गिरनार पर्वत पर दत्त भगवान बैठे हुए वहाँ जा। और परशुराम जी दत्तात्रेय भगवान को जब देखने के लिए आए तो दत्त भगवान किस स्थिति में थे, उनके साथ 4 वेश्याओं की तरह सुंदर स्त्रियाँ, शराब की एक बोतल और सारी चीज़ें के साथ अपने एकदम उन्मत्त होकर बैठे हुए थे। इस स्थिति को देखने के बाद परशुराम जी को लगा कि क्या मैं इनके पास आया, ऐसी स्थिति ऐसे गुरु के पास आया। एक मिनट के लिए उनको लगा कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तब उन्होंने अपने पिता जमदग्नि महामुनि की को स्मरण किया और वैसे ही उस समर्थ महामुनि को स्मरण किया और कहा कि तुम जिस गुरु के पास जाना चाहते यही है जो यहाँ खाते पीते बैठा हुआ है, पीते बैठा हुआ है, लड़कियों के औरतों के साथ बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा वही है, पहले तो साष्टांग नमस्कार कर ले, बाद में तुझे बोलता हूँ कि क्या करना है। परशुराम जी ने साष्टांग दंडवत डाला और पूछा कि प्रभु मैं आपके पास मेरे पाप के प्रायश्चित के लिए आया हूँ, मैंने बहुत पाप किया है, अकारण लोगों को मारा है, मेरा पाप बहुत हो गया है। तब भगवान दत्तात्रेय जी ने उठकर कहा कि मैं गुरु हूँ, ये बात आदि गुरु इस बात को भी जानता हूँ, लेकिन आज तक मेरे पास हजारों शिष्य आए, मेरे को इस मेरी इस वेशभूषा को लेकर चले देख कर चले गए, लेकिन जो मुझे पहचाना और मुझे नमस्कार किया उसका उद्धार हुआ। और तब परशुराम जी को के बारे में परशुराम जी को उद्धार करके उन्होंने कहा कि मैं तुझे बताता हूँ कि हम हर पापों से किस तरह से अपना उद्धार हो सकता है। और वहाँ यहाँ उन्होंने माता कामाख्या और त्रिपुरा का रहस्य पहली बार दत्तात्रेय भगवान ने गोरखनाथ जी को और परशुराम को यहाँ त्रिपुरा रहस्य बतलाया। कहते हैं कि केवल त्रिपुरा का नाम या ललिता त्रिपुर सुंदरी का या बाला त्रिपुर सुंदरी का या षोड़शी त्रिपुर सुंदरी का नाम लेकर भगवान दत्तात्रेय को नमस्कार करते हैं तो हमारे सारे पापों का निवृत्ति होती है, हमारे सारे पाप चले जाते हैं। लेकिन एक छोटी सी साधना उन्होंने कहकर कहा था कि यहाँ आकर तुम केवल और केवल 1 घंटे तक अपने गुरु के समक्ष, गुरु के पादुकाओं के समक्ष बैठकर यह साधना करो,
तुम्हारे जीवन में कितने भी तुमने पाप किए होंगे, वो पाप चले जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन तुम्हारे में ज्ञान की प्राप्ति होगी, तुम चैतन्यवान बनोगे। और वो जो साधना थी आज तक शायद ही कुछ लोग थोड़े लोगों को मालूम। निमेश पटेल यहाँ है, मैं एक बार यहाँ इससे पहले यहाँ आके गया, 3 दिन तक दूध पर रहकर साधना की, जो गोरखनाथ जी ने भगवान दत्तात्रेय से मालूम करने के लिए की थी, जिसे नवनाथ संप्रदाय में नवनाथ दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न करने की साधना है। मैं निमेश साथ में भी थे, लेकिन मैं नहीं बोला, लेकिन उस समय भी गोरखनाथ जी ने अपने धुरी से भस्म लेकर मुझे दिया और कहा कि ये भस्म ले जाकर तुम्हारे गुरु जी का जहाँ वृंदावन है, वृंदावन जहाँ आज मैं आश्रम में बांधा हूँ, उस वृंदावन में ये भस्म को ले जाकर डाल दे। और मैं वो भस्म यहाँ से ले जाके गया। ये गोरखनाथ की धुनी, भगवान दत्तात्रेय का आचरण, भगवान दत्तात्रेय की पादुका और परशुराम जी का मिलन, यह यहाँ की विशिष्टता के साथ साथ यहाँ समर्थ नाम के महामुनि जो दत्तात्रेय भगवान के प्रीतिकर हुए उनका। और ज़्यादातर आज आपको बताता हूँ, वैसे तो गुजराती लोग तो दत्त भगवान के प्रिय है, हमारे जितने भी महाराष्ट्र के लोग आए केवल वो गाणगापुर पीठापुर इधर सर कुल्लूवाड़ी वगैरह फिरते हैं, दत्त भगवान के ये स्थान है उनको भी मालूम। कहा क्या कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय काशी में स्नान करते हैं, कोल्हापुर में भिक्षा लेते हैं और यहाँ आकर भोजन करते हैं और माहौरगढ़ में सो जाते हैं अपने माता पिता के पास, तो यहाँ उनकी तपस्या स्थली कहा गई है। और केवल दत्तात्रेय जी का स्मरण मात्र करने से हमें उनके स्वर्तगामी यानी उनके उस दीवानेपन की किसी न किसी तरह, जो अपने गुरुपादुकाओं को लक्ष्य में रखकर गुरुपादुकाओं के सामने उस त्रिपुरा मंत्र का साधना करता है, निश्चित रूप से उसको दत्त किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। और इस समय तो उस साधना को मैंने तंत्र प्रमोद से निकाल कर, वो साधना निकालने के लिए मुझे कम से कम 15 दिन लगे तंत्रामोद से लेकर, और उसमें परशुराम जी का संवाद है, बाद में उसमें मैंने परशुराम कल्पसूत्र निकाला और परशुराम कल्पसूत्र को बोलते हुए भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि यह साधना जो भी मनुष्य करता है उसको कहीं जाने की नहीं, स्वयं दत्त भगवान उसके पास आकर दर्शन देते हैं। ये बात अलग है कि आप सब लोग तो सीढ़ियाँ पिटड़ के जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, एक बार कल रात में भी नहीं सोया, आज सुबह से भी चलता फिरता नजर आ रहा हूँ, अभी भी आ रहा हूँ। और सच्ची बात यह है, निमेश पटेल को नहीं मालूम, कड़ाके की भूख लगी है, कभी मुझे भूख लगती नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद लगी तो दत्त भगवान का आशीर्वाद है कि भूख लगी है। ये बात अलग है, मैं खाना बाद में खाऊंगा या अभी खाऊंगा। यहाँ जो साधक दत्त भगवान की पादुकाओं के सामने उनकी धुनी, उनके उनका नाम लेकर पीपल के पत्ते पर उसका भस्म या उसके इस मिट्टी को लेकर तिलक लगाता है और उस मंत्र को उस यंत्र के सामने करता है, वह श्रेष्ठ साधक निश्चित रूप से इस 3 दिनों में भगवान दत्तात्रेय जी का सान्निध्य प्राप्त करता है, यानी भगवान दत्तात्रेय उसको किसी न किसी रूप में उसको कम से कम स्पर्श करते तो जाएंगे। और उसका आवास अगर हमें देखना कि हमें दत्त भगवान ने साधना करने पर अपने गुरु के सामने दत्त भगवान का दर्शन हमें हुआ है नहीं, इस बात का अगर आपको देखना है तो जैसा ही आपको ऐसा लगा कि कोई अष्टगंध का सुगंध आया है आपके सामने, बिल्व या दूर्वा या तुलसी नीचे गिरी हुई दिखेगी, उसको उठा लेना कि तुम्हारे पास से भगवान दत्तात्रेय गुजरे। इस बात का ध्यान रखना, जरूर जो इस मंत्र को त्रिपुरा मंत्र को करते हैं उसे दत्त भगवान उसके साथ जाते हैं। ये भी शिवरात्रि के दिनों में, हम ऐसे ही दिनों में यहाँ आए आज परमपूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से, वो साधना निकालने के लिए ये भी है, मैं इसका भी रहस्य बताता हूँ। माता जी के हाथ से ही आज सुबह ही आ जाना था मैं, लेकिन इतनी अड़चनें आई, और थोड़े साधक तो आपको पता है उनको कि तुम ऐसी साधना इन साधकों को देते हैं जो गृहस्थ है, जो सारे पाप करते हैं, वो लोगों को कुछ मालूम नहीं, ऐसे लोगों को साधना देते हो क्या? ये अड़चन निर्माण करने के लिए मुझे करेक्ट जाते समय कल रात में 1 बजे फ़ोन आया कि आपको रुकना है, आप बाद में जाओ। अब उस रात में 1 बजे मैं जो टिकट निकाला हूँ या हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से राजकोट, राजकोट से यहाँ, इस तरह आना पड़ा मुझे घूम के, यानी अड़चने अच्छी साधनाएं देते समय। गुरु जी ने भी ये बात कही है गुरु पूर्णिमा में कि जब विशेष साधनाएं कभी देने जाते हैं तो सिद्धाश्रम के साधु लोग या संत लोग देने नहीं देते, क्योंकि ये गृहस्थों की साधना नहीं है, केवल हमारी साधनाएं, हम संन्यास लेकर इतने साल की तपस्या किए हैं, हमारे को ये साधना देनी चाहिए, इन लोगों को क्यों तपस्या देते, वो ये साधनाएं देते हैं। लेकिन मैं भगवान दत्तात्रेय जी, भगवान गोरखनाथ जी और हमारे परम पूज्य सद्गुरु स्वामी निखिलेशानंद जी जो हमारे त्रिपुर है, उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहता हूँ कि मैं प्रभु ये साधना जरूर दूंगा और मैं स्वयं करूंगा,
इसलिए करूंगा कि फिर हम यहाँ आएंगे, करेंगे बात की बात। इस ज्ञान को लेकर जहाँ जिस क्षेत्र में आए हैं, जैसा रामकृष्ण परमहंस को एक मनुष्य ने ऐसा ही पूछ लिया था, भगवान तो सारी जगह है तो विशेषकर मंदिरों में जाकर क्यों साधना करना, सारी जगह भगवान का, भगवान तो वास है। तो रामकृष्ण परमहंस ने एक सुंदर जवाब दिया था, बोले गाय में 33 कोटि देवता है हम कहते हैं, गाय में 33 कोटि देवता है कहते हैं, लेकिन दूध चाहिए अगर तो एक ही जगह पकड़ के खींचते हैं, उनका कान पकड़ के खींचने दूध नहीं आता, क्षेत्र की महिमा होती है। आपको दूध चाहिए, अमृत चाहिए, तो उस क्षेत्र में जाकर साधना करो। उस प्रकार हम इस क्षेत्र में आए हैं, यहाँ स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और नाथ पंथ के नवनाथ पंथ के नवनाथ पंथ के लोग और हजारों ऐसे साधु जो दत्त संप्रदाय में और नाथ संप्रदाय में हैं, वो निश्चित रूप से यहाँ आते हैं और उस मंत्र को, उस त्रिपुरा रहस्य के मंत्र को आज तक किसी ने उजागर नहीं किया, किसी ने नहीं बताया। उस मंत्र का केवल केवल और केवल यंत्र रख लेकर नवनाथ भगवान का स्मरण कर, भगवान दत्तात्रेय का स्मरण कर, अपने गुरु का स्मरण करके जो उस मंत्र की साधना करता है उसको भगवान दत्तात्रेय, आप यहाँ जितने दिन रहेंगे स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके पास अष्टगंध की एक प्रकार के अष्टगंध का सुगंध आया है, और जैसा ही सुगंध आया आप नीचे देखो, आपके सामने बिल्वपत्र तो होगा, तुलसी तो होगी या दुर्वा तो होगा, निश्चित रूप से होगा, ये यहाँ की प्रीति, यहाँ की महिमा है, यहाँ का महात्म्य है। आप इस साधना को करने के लिए अभी दत्तू भैया क्या कह रहे हैं, भैया सुबह से असर एक मिनट भी ये लोग सोए नहीं, बहुत थके मांदे हैं, आप कुछ भी इनको साधना भी रात में मत बोलो, आप थके हैं चलता आप साधना करो, लेकिन इनको तो मेरा असर सोए ही नहीं, सुबह से खाना भी नहीं खाए हैं, भूखे हैं, तो इनको अभी साधना मत दो, आप साधना करने के बाद फिर आप उनको साधना दो, ऐसा कहना है। क्या ये सही है? नहीं। क्या नहीं। हाथ उठाओ सही है नहीं। तो उनको नींद, अभी भी नींद आने की ज़्यादा चांसेस है खाना खाने के बाद, ऐसी स्थिति है। तो ऐसा करता हूँ मैं रात में साधना कर लेता हूँ और आप कल आपको सभी को कल सुबह साधना देता हूँ, ये साधना निश्चित रूप से आज के दिन करना बहुत ही श्रेष्ठता के साथ कहा गया है। मैं अब खाना खाने के बाद केवल केवल और केवल आधे घंटे की साधना है, उतना कर लेकर रहते हैं तो हमारे को इस 3 दिनों में ज़रूर भगवान दत्तात्रेय का की कृपा मिलेगी और कामाख्या त्रिपुरा और माता काली इन तीनों देवताओं का कृपा प्रसाद उस त्रिपुरा रहस्य में भगवान दत्तात्रेय ने किस प्रकार इस मिट्टी में त्रिपुरा यहाँ घूमते रहते हैं और मैं उस त्रिपुरा के लिए मैं घूमते रहता हूँ और मेरे लिए भक्त घूमते रहते हैं और हम ये घूमते रहने के बाद इस घूमने में इस चक्कर में हम किस तरह दर्शन देते हैं भगवान दत्तात्रेय ने समझाया है, ये परशुराम कल्प सूत्र में लिखा गया है। तो मैं आपको ये कहता हूँ आप खाना खा के सो जाओ, मैं खाना खा के आके साधना करता हूँ, आप तब तक के लिए विश्राम, मैं कल सुबह मिलता हूँ आप सबको, एक बार जय घोष करूँगा, बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी को सुबह 7 बजे तक यहाँ आ जाइए, वो साधना आपके हाथ से करवाऊँगा, अभी मैं कर लेता हूँ और थक तो मैं भी गया हूँ लेकिन साधनाओं के लिए कभी थकता नहीं, साधना करने के लिए आप कभी भी बोलो जवान हैं और साधना करता ही करता हूँ, ये साधना करूँगा ही करूँगा, क्योंकि आज के दिन अगर मैं ये साधना करूँगा तो ये 3 दिन में जरूर भगवान दत्तात्रेय का और गोरखनाथ जी की कृपा प्रसाद को प्राप्त करूँगा, ऐसा कहा गया है। 10 महाविद्याओं की आराध्या रहने के बाद भी माँ त्रिपुरा को, माँ काली, माँ बारह त्रिपुसुंदरी या षोड़शी त्रिपुसुंदरी और कामाख्या के रूप में यहाँ आराधना स्वयं दत्तात्रेय भगवान ने की थी, इसीलिए दत्तात्रेय भगवान यहाँ स्त्रियों के साथ बैठे हुए दर्शन देते हैं। आपको पता है परशुराम जी चिरंजीवी है, उन्होंने कभी स्त्रियों को हाथ में भी नहीं लगाया। हनुमान जी के बारे में आपको पता है, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे लेकिन कौल मार्ग से भगवान हनुमान जी ने भी, परशुराम जी ने भी, स्वयं राम ने, रावण ने और गोरखनाथ ने, जो गोरखनाथ शिव स्वयं साक्षात शिवरूप स्वरूप कहलाए जाते हैं, उन्होंने भी ये साधना संपन्न किया, ऐसा कहा जाता है। हम यहाँ केवल दूध पर रहकर मैंने 3 दिन उस नाथ संप्रदाय की साधना की थी जो दत्त प्रसन्नता के लिए कहा जाता है, दत्त भगवान की प्रसन्नता के लिए। अभी 3 दिन तो आप है, आपको भूखे दूध पे तो नहीं रहने के लिए कह रहा हूँ लेकिन कम से कम साधना तो करने के लिए कह रहा हूँ और वो साधना कल करवाऊँगा। अभी आप सब लोग साधना करते हुए अगर आपको हो सकता है तो 16 माला गुरु मंत्र जप करके ओम ग्राम दत्तात्रेयाय नमः ये मंत्र जप करके सो जाओ, मैं सुबह आपको साधना बताता हूँ। अब देखो ये सामने आ गया हमारे मैरिज